टीवी के निचले भाग पर आप देख रहे हैं, टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल के जो दाम हैं वो करीब करीब 2 से लेके 2.5% तक बढ़ाए हैं, और ये जिस तरह के इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट है वो एक साफ तौर पर आपको दिखने लग गया है। तमाम कंपनियां इनपुट कॉस्ट की वजह से जो प्राइसेस हैं उनको रिवाइज़ कर रही हैं। इस पूरे अंतराल में, इस पूरे क्वार्टर में अलग अलग कमोडिटीज़ के प्राइसेस में भारी बढ़त आई है, जिसका एक इम्पैक्ट टाटा मोटर्स पे अब दिख रहा है, और वो अपनी कीमतों में सीवी स्पेस में एटलीस्ट कीमतें बढ़ा रहे हैं जो कि 1 अप्रैल से लागू होंगी। शिवांगी जी, टाटा मोटर्स कैसे देखें खबर को? फिलहाल तो 1% नीचे चल रहा है, लेकिन न्यूज फ्लो पॉजिटिव है, कैसे ट्रेड करना चाहिए टाटा मोटर्स में? जी, टाटा मोटर्स का अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देख रही हूँ तो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है अभी, थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड हो रखा है, बट वन साइड वीकनेस भी नहीं देखने को मिलेगा इसमें, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन के लिए वेट कर सकते हैं, फिर हम इसमें पोजिशन, फ्रेश पोजिशन ले सकते हैं। कंसोलिडेशन का वेट करें और अभी कोई कॉल ना दे, लेकिन हाँ, न्यूज फ्लोज जो है वो आपके समक्ष रखा गया है कि प्राइस हाइक किया गया है और प्राइस हाइक 1 अप्रैल से लागू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी जी हमारे साथ मौजूद।